हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं 2 पाउंड का चॉकलेट केक और बहुत ही ब्यूटीफुल सी ये डेकोरेशन आप देख ही रहे हैं। व्हिपिंग क्रीम के साथ मैंने ये डेकोरेशन की है और इसपे पॉप्सी लिखा हुआ है। बेटे का फोन आया था उनके कि केक पर पॉप्सी लिख देना। तो चलिए शुरू करते हैं 2 पाउंड का ये केक बनाना। चॉकलेट स्पॉन्ज मैंने ऑलरेडी बनाकर रेडी कर लिया है और जिसके लिए मैंने 180 ग्राम 1 पाउंड के हिसाब से 360 ग्राम प्रीमिक्स लिया और 2 पाउंड का ये स्पॉन्ज वाटर और ऑयल ऐड करके OTG में बेक कर लिया था। बेक करने के बाद स्पॉन्ज को कर लिया अच्छे से ठंडा। अब जो इसके ऊपर हल्की सी डोम शेप आई है उसको हम रिमूव कर देंगे और अपने स्पॉन्ज को 3 लेयर्स में कट कर लेंगे। मैंने यहाँ पर नाइफ की हेल्प से स्पॉन्ज को कट किया है। अगर आप बिगनर्स हैं, दिक्कत आती है, तो आप थ्रेड से भी कट कर सकते हैं। वो भी मैंने अपने चैनल पे वीडियो डाल रखी है और स्पॉन्ज मेकिंग की भी डाल रखी है। इन सब के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। इसके बाद मैंने एकदम चिल्ड वाटर लिया है जिसकी हेल्प से मैं इसमें सोकिंग कर रही हूँ। और अब पाइपिंग बैग में मैंने चॉकलेट मूज रेडी करके रखा था। चॉकलेट मूज बनाना बहुत ही आसान है। पहले आप क्रीम को व्हिप कर ले और इधर से गनाश बना के अब इसके बाद जब चॉकलेट मूस हमने स्प्रेड कर लिए, उसके बाद फिर से हमने 2 फुल स्पून इस पे गनाश के डाले और उसे स्प्रेड कर दिया और अब डाल दिए चोको चिप्स अच्छे से भर भर के। अब हम अपनी सेकंड लेयर रख रहे हैं। सेकंड लेयर में मैं अपनी जो फर्स्ट लेयर है काटी थी, जो थोड़ी पतली होती है, उसको रखा है और साइड से थोड़ी ये बैठ जाती है। तो इस तरह से व्हिपिंग क्रीम कोन की हेल्प से हम इसकी लेयर के नीचे साइड में लगा देंगे जिससे वो स्पॉन्ज जो है बैठी हुई नहीं लगेगी। अब इसके बाद हम फिर से प्रोसेस को रिपीट करेंगे, सोकिंग करेंगे और फिर से चॉकलेट मूस की लेयर लगाएंगे और चोको चिप डालेंगे और फिर लास्ट में जो हमारी थर्ड लेयर है उसको हम इसके ऊपर रख देंगे। थर्ड लेयर रखने के बाद भी हम फिर से हल्की सी सोकिंग करेंगे और सोकिंग करने के बाद हम अपनी क्रम कोटिंग कंप्लीट कर लेंगे। और क्रम कोटिंग करने के बाद इसे एक बार फ्रिज में रखना जरूरी होता है ताकि जो क्रम्स है वो अच्छे से क्रीम के साथ सेट हो जाए, केक आपका अच्छे से ठंडा हो जाएगा। तो उसकी फाइनल आइसिंग करनी बहुत ही आसान हो जाएगी और अच्छी फिनिशिंग आती है। तो ये हमारी क्रम कोटिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है इस तरह से। अब हम इसे केक बोर्ड पर उतार देंगे और फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। दोस्तों, अब हमने फ्रिज में से अपने केक को निकाल लिया है लगभग आधे घंटे बाद और अब जो केक का कलर था वो लाइट स्काई ब्लू कलर था। तो मैंने व्हिपिंग क्रीम में अपना जेल कलर डाला ब्लू वाला और उसके बाद उसको कर लिया मिक्स और पाइपिंग बैग में फिल कर लिया और अब उसकी हेल्प से हम अपने व्हिपिंग क्रीम को साइड्स में लगा लिया है और स्पैटुला से इस तरह से फिनिश करेंगे। टॉप लेयर पे भी इसी तरह से लगा देंगे क्रीम को और स्प्रेड कर देंगे। स्प्रेड करने के बाद मैंने यहाँ पे लिया है कॉम स्क्रेपर और उसको भी हम चला देंगे अपने केक पर। कॉम स्क्रेपर चलाने के लिए हमें बिल्कुल लाइट हैंड यूज करना है, बहुत ज्यादा दबाना नहीं है। यहाँ पर देखिए अभी गर्मी बहुत ज्यादा है तो कॉम स्क्रेपर चलाने से क्या हुआ कि क्रीम जो है निकल रही है। अगर आप इस काम को AC रूम में करेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा इजी हो जाता है। AC में केक पर फिनिशिंग बहुत अच्छे से आती है। मैं जहाँ पर ये वर्क कर रही हूँ वहां पर कोई AC नहीं है, कोई फैन नहीं है, तो थोड़ा गर्मी बहुत ज्यादा है टेम्परेचर आजकल, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मुश्किल होती है फिनिशिंग देने में। तो अब मैंने फिनिशिंग करके एक बार केक को फिर से 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखा था और अब मैंने ये डार्क पिंक, लाइट पिंक और व्हाइट और ग्रे कलर की व्हिपिंग क्रीम बनाकर रखी है। फूड कलर, सारे जेल कलर्स मैंने यूज करे हैं और जितने भी तरीके की मेरे पास स्टार नोजल्स थी मैंने उसमें इन सारी क्रीम्स को फिल कर लिया और इस तरह से मैं ये पैटर्न रोजेस के बनाती जा रही हूँ।
पहले मैंने बड़े बड़े सारे रोजेट्स बना लिए और उसके बाद अब बीच में छोटे छोटे स्टार्स की फिलिंग कर रहे हैं। अब मैंने ये थोड़ी लाइट सी ग्रीन कलर की क्रीम बनाई थी जिसमें मैंने लीफ नोजल का यूज करके बीच बीच में लीफ हम बना रहे हैं। कस्टमर ने इस केक का डिजाइन हमें नेट से निकाल कर भेजा था तो मैं लगभग सेम ही बनाने की कोशिश कर रही हूँ और बताइएगा जरूर कि आपको ये डेकोरेशन कैसी लगी। अब ये लीफ नोजल की हेल्प से ही मैंने नीचे बॉर्डर पैटर्न दे दिया। हैप्पी बर्थडे का मैंने यहाँ पर कॉइन टैग लगा दिया है और उसके बाद पॉप्सी जो है मैंने वो फॉन्डेंट से कट करके रख लिया था और उसे एसी रूम में अंदर रख दिया था वहां पर ड्राई होने के लिए। एसी रूम में फॉन्डेंट बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है और अच्छे से सेट हो जाता है। इसके बाद हमने व्हाइट पर्ल्स यूज करे हैं, वो हमने सारे फ्लावर्स में लगा दिए, केक पर लगा दिए और थोड़े से बारीक वाले भी व्हाइट पर्ल्स मैंने साइड में लगा दिए। तो देखिए ये हमारी ब्यूटीफुल सी केक डेकोरेशन रेडी है। आपको कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे। ऐसी ही कुछ अच्छी डेकोरेशन के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।